मैं आपको बताता हूँ कि देखो हमारे हाथ में बैलून है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस बिजली बम को, हम बिजली बम बोलते हैं इसको, इसके अंदर डालूंगा, ठीक है, और इसके अंदर डाल के इसको ब्लास्ट कर देंगे, फोड़ देंगे, ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर जाएगा तो माचिस से जलेगा नहीं, तो इसको कैसे फोड़ेंगे, पूरा तरीका कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसके अंदर बम को डाल के हम ये डाल लेंगे, कुछ इसके टुकड़े भी डाल लेंगे, कुछ कागज पन्नी को भी काट के डाल लेंगे, जैसे ब्लास्ट होगा तो कैसे स्पार्कलिंग इसकी चीजें निकलती दिखेंगी, बड़ा मजा आएगा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि जले काम कैसे करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास छोटा सा बम है, इसकी मैं बत्ती निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे करना डेंजर होगा, फट जाएगा तो दिक्कत होगी। तो ये हमारे हाथ में निक्रोम की वायर है, नाइक्रोम वायर, ठीक है, मैं इसके इसके ऊपर लगा देता हूँ। देखो अगर मैं इसके ऊपर लगा दूंगा तो पहले हीट होगा, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, देखो मैंने लगा दिया। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, ये हीट होगा यहाँ पे और जलेगा बड़ी तेज़ से, देखो मैंने लगा दिया, तो जब ये गर्म होगा तो क्या होगा, जलेगा। तो ये चीज़ हम बैलून के अंदर डाल लेंगे और जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर से ये फटेगा और बैलून भी बड़ी तेज़ से फटेगा, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको आपको अंदर करके दिखा दूँ कैसे काम करेगा ये, ठीक है। एक बार हम स्विच को ऑन करते हैं, हमने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, अब देख लीजिए धीरे धीरे गर्म होगा, और अभी देखना आपको देखिए क्या होगा, गर्म होगा तो गर्म हो रहा है, ठीक है, अभी देखना इसमें कितनी चिंगारी निकलेगी इसके अंदर से, गर्म हो रहा है क्या है ये देखिए, ठीक है, देखा आपने कितनी देर से, ऐसे ही ब्लास्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो हम करने वाले स्विच, ये देखो रेड भी हो रहा है, एक बार ऑफ कर देते इसको, ठीक है भाई, इस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, देखिए। तो ये देखिए हमने इसको काट लिया, अब इसको इसके अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर डालना शुरू करते हैं, डालो भाई इसके अंदर, चलो। अब इसके अंदर जो मेन काम है इसको फिट करना है इसके अंदर, ठीक है, तो देखो करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये दो को कर एक साथ, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पे इसको दोनों को फंसा रहा हूँ, ताकि दोनों में से कोई भी फटे तो काम अपना कर जाए। एक को भी डाले मैंने और ये मैं इसका दूसरा भी डाल रहा हूँ, बस ये हो गया। इसके कॉर्नर पे थोड़ी टेप लगानी पड़ेगी क्योंकि बैलून के अंदर फट सकता है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्या मज़ा आएगा, अलग ही मज़ा आएगा। इसको बैलून के अंदर सबसे मेन काम इसको बैलून के अंदर कैसे डाले वो समझ में नहीं आ रहा, देखो। बहुत मुश्किल काम है, हल्का सा भी अगर लगा बैलून फट भी सकता है, ठीक है, अच्छा लग रहा फुलाते हुए। ठीक है भाई, धीरे धीरे ऊपर आओ, चलिए अब हम चलते हैं इसकी अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए, आइए जल्दी आइए, हाँ टेप लेकर आ जाओ भाई। देखिए हमारा बैलून, ठीक है, हम इसको करेंगे यहाँ से स्विच ऑन और देखते हैं रिएक्ट काम करता नहीं करता, ठीक है। तो देखिए ये देखिए फटा, लेकिन जैसा हमने सोचा वैसे नहीं फटा, लेकिन इसने काम जरूर किया, आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखिए इसके क्या ही। तो देखा आपने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब सही हुआ लेकिन मतलब सही से नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा जो हमने बनाया था बिल्कुल सही है, कुछ भी इसमें डैमेजिंग कुछ भी खराबी नहीं है, इससे हम और भी बम फोड़ सकते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो ये हमने आपको करके दिखाया, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है आपको ताकि आपको जो चल जाए पता कि हम नई नई वीडियो कौन कौन सी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको मजा आए देखने में। तो इसी तरह हमारी वीडियो में बने रहिएगा, जय हिंद जय भारत। भाई जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा था तो अकेले इतना पॉसिबल नहीं हो पाता करना, तो ये चार बच्चे आप देख सकते हो, इन्होंने हमारे साथ मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को कम्प्लीट किया था। तो एक बार अपना अपना नाम बताइए, तो ये चार बच्चे हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इनको भी काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलता है, इसलिए हमारे साथ बने रहते हैं। तो बाकी आप भी हमारी वीडियो के साथ साथ नॉलेज भी लेते रहिएगा और साथ में मज़े भी करते रहेगा, ठीक है।